तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट मच अवेटेड मूवी सालार अब लगातार ऑफिशियल अपडेट निकाल रहे हैं। देखो अभी कुछ दिन से तो इनका कुछ अता पता लग नहीं रहा था, लेकिन अब रिलीज डेट आ रही है क्लोज। जी हां दोस्तों, मूवी को 28 सितंबर को रिलीज करा जाना है। तो आज जानेंगे कि मूवी का ट्रेलर कब तक आएगा, फर्स्ट सिंगल मींस फर्स्ट सॉन्ग कब तक रिलीज हो सकता है, डबिंग में कितनी लैंग्वेज में काम चल रहा है, इंटरनेशनली भी मूवी को रिलीज करा जाना है क्या, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी प्रभास के डाई हार्ड फैन हैं और मूवी का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आफ्टर आदि पुरुष प्रभास का सॉलिड कमबैक होने वाला है सालार के साथ, और जब से इसका टीजर आया था लोग पागल हो गए हैं फाइनल ट्रेलर के लिए और मूवी के लिए तो है ही। तो फिलहाल कुछ दिन से जब से टीजर आया था मेकर्स शांत थे, सालार की तरफ से कोई अपडेट निकल नहीं रही थी, लेकिन अब मेकर्स हो चुके हैं एक्टिव और लगातार नंबर ऑफ अपडेट दी जा रही है फैंस को मेकर्स की तरफ से। जी दोस्तों, सालार का फर्स्ट सॉन्ग या फिर यू कहो कि फर्स्ट सिंगल 14 से 15 अगस्त में कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए लोग काफी लंबे समय से वेट तो कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एसआर के फैंस और प्रभास में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि एसआर के फैंस के लिए जवान ने पहला सॉन्ग पहला सिंगल निकाल चुके हैं, तो एसआर के फैंस तो खुश हैं। तो ऐसा फैंस में ये स्ट्रीट फाइट चलती रहती है अपने फेवरेट एक्टर्स को लेकर। लेकिन अब बारी है सालार की, तो फैंस को राहत तो मिली है कि हां फर्स्ट सिंगल आ रहा है। इसी के साथ फाइनल ट्रेलर अगस्त के लास्ट में नहीं आएगा, ये ऑफिशियली अपडेट हुआ है कि अब ट्रेलर सितंबर फर्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा। तो ट्रेलर के लिए तो फैंस वैसे ही काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाकी एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनली इंग्लिश डबिंग में काम शुरू हो चुका है, और मेन टारगेट किया जा रहा है नॉर्थ अमेरिका को, क्योंकि वहां प्रभास की फैन फॉलोइंग अमेजिंग है। तो सालार को लेकर वहां क्रेज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, बात डबिंग की चल ही रही है तो एक अपडेट ये भी बहुत सॉलिड निकल कर आ रही है मेकर्स की तरफ से कि जो हिंदी डबिंग होगी इस बार वो इस बार प्रभास के द्वारा करी जानी है, और ये खुद डायरेक्टर प्रशांत नील चाहते हैं। बाकी दोस्तों, कन्नड़ा लैंग्वेज की डबिंग तो फिनिश हो चुकी है, और भी भाषाओं में डबिंग पर काम जोरों से चल रहा है। मतलब मेकर सालार को बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार काम चल रहा है। बाकी डबिंग से रिलेटेड एक र्यूमर ये भी आ रही है, पर ये अभी तक इसे रूमर ही समझना आप दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियली ये कहीं अपडेट हुआ नहीं है। ये दोस्तों रूमर ये है कि सालार को शायद 15 भाषाओं में डब करा जाना है। इसका मतलब मूवी 15 भाषाओं में रिलीज करी जानी होगी, पर ये सिर्फ उड़ती फिरती एक खबर है, एक रूमर ही है, जब तक के लिए ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आप लोगों को सालार का फाइनल ट्रेलर का कितना इंतजार है? दूसरा, जवान और सालार में ज्यादा कमाई कौन सी मूवी कर सकती है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।